नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट जो है कोरियोप्सिस के बारे में बात करूंगी। तो मेरी किसी भाई बहन की फरमाइश थी कि इसके सीड आपने लगाने नहीं सिखाए हैं, इस बारे तो मैं खुद लेट हो गई हूँ। लास्ट ईयर मैंने इसे नवंबर शुरू में लगाया था, तो इस टाइम जो विंटर में सेप्टेम्बर अक्टूबर में ग्रो किया जाता है, तो इस प्लांट की खासियत ये है कि इसके फूल पूरे साल भर आपके गार्डन में बने रह सकते हैं। तो तीनों सीज़न में इसे ग्रो किया जाता है। बस जिन जगहों में बहुत ज़्यादा ठंड फ्रोस्ट वगैरह या बर्फ़ वगैरह पड़ती है उन जगहों में विंटर में नहीं होते, जहाँ फिर जिन जगहों में हाई टेम्परेचर जाता है उस टाइम इसे प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरे यहाँ 48 से अबव टेम्परेचर चला जाता है गर्मी में, तो उस टाइम इसे प्रॉब्लम होती है। बाकी जिनके सही टेम्परेचर रहता है तो वहाँ ये पूरा साल भर खिलते रहते हैं। तो मेरे यहाँ ये बरसात में भी खिले हुए थे पूरे, और अभी भी लगातार तब से ये खिल ही रहे हैं, और इतने ढेरों फ्लावर्स इनमें आते हैं। तो लगाने से पहले मैं इस पे जो है थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। तो ये जो मैंने दिखाए हैं ये लॉन्ग वेराइटी वाले जो हैं गोल्डन कोरियोप्सिस हैं, और मैंने इस बार ये एक और भी ग्रो करी है ड्वार्फ वाली, और वो सैंड कोरियोप्सिस, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये है सैंड कोरियोप्सिस, ये देख रहे हैं इस तरह से इनमें फूल आते हैं। ये ऐसे जैसे कैलेंडुला के प्लांट्स निकलते हैं ना, उस तरह से पत्तियाँ काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं, पर उसकी जैसे फर्न की तरह पत्तियाँ अलग सी होती हैं थोड़ी सी, वो उसकी भी लीव्स मैं दिखाती हूँ। तो चलो पहले हम बात करते हैं, इस पे जानकारी पूरी दे लूँ। कोरियोप्सिस जो है ये नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है। इसमें दो ग्रुप में प्लांट्स बंटे हुए हैं, इसमें से एक में टॉल और ड्वार्फ वेराइटीज़ दोनों होते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे गोल्डन वाले। तो इसमें खूब सारे लंबे 3 फुट तक के लंबे होंगे, और जो टॉल वेराइटी होती है उसकी हाइट 2.5 से 3 फिट तक की होती है, जो अभी पहले मैंने आपको मैं दिखा चुकी हूँ। और ड्वार्फ वैरायटी की हाइट लगभग 1 फुट के करीब होती है। दूसरे ग्रुप में जो प्लांट्स आते हैं उनकी हाइट मीडियम होती है, लगभग जो है 1.5 से 2 फुट की जो है स्टेम लंबी होती है, और नोड जो क्लियरली दिखती है। इसके फ्लावर जो हैं 4 से 6 सेंटीमीटर के होते हैं, या तो ये येलो और डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं, या फिर येलो और रेडिश ब्राउन हो सकते हैं। फूल जो है 3-3 के गुच्छों में आते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से 3-3 के गुच्छों में आते हैं, पास से जाकर दिखाती हूँ। तो बहुत घने हो जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देख रहे हैं जैसे 3-3 के गुच्छों में, ये 1, ये 2, ये 3, और इनमें फिर बर्ड्स ये बनती हैं, तो ये खूब ये घने हो जाते हैं। ये 3-3 में, ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, और ये नीचे से ये बंटे हुए हैं ऐसे, फिर ऊपर से भी ये बंटते जाते हैं। तो इस तरह से ये ढेरों इन पे फ्लावर बर्ड्स एक साथ लगते हैं, और गमला पूरा भरा दिखता है। तो आपने लास्ट ईयर भी मेरे गार्डन में खूब सारे विंटर में ये देखे होंगे। इन्हें जो आप साल में 3 बार ग्रो कर सकते हैं, जब एक बारी जब आप ग्रो करेंगे वो जनवरी और फरवरी में, तो उसमें जो फूल हैं आपके समर में लगेंगे। अगर मई जून में ग्रो करेंगे और जुलाई में ग्रो करते हैं, मई जून जुलाई में, तो फूल जो रेनी सीज़न में लगते हैं, और सितंबर अक्टूबर में जब आप लगाते हैं तो विंटर में इसके फ्लावर्स आते हैं। तो ये तो मैं बता ही चुकी हूँ पहले कि मैंने नवंबर में ये एक बार ग्रो किए थे, जो पिछले वाले जो दिखाए हैं ना मैंने, इसके मैंने सीड भी कई भाई बहनों को भिजवाए हैं, तो वो लगाए थे। और आप इनकी नर्सरी पोट में भी तैयार कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं, और 1 महीने के बाद आप ट्रांसप्लांट कर दें। बहुत घने जैसे प्लांट हों तो थिनिंग कर सकते हैं और अलग से कहीं लगा दें। तो वैरायटी के हिसाब से जो स्पेस कितना रखना है तो इस पर डिपेंड करता है। करीब आप 1 फुट के स्पेस पौधे से पौधे की दूरी रख सकते हैं ताकि ये फैल सके। तो मैंने 10 इंची के पोट में कुछ एक पौधे लगा दिए थे, इकट्ठे लगा दिए थे, पता नहीं 3-4 प्लांट ऐसे लगा दिए थे, और ये कटिंग से भी इजली तैयार हो जाते हैं। नरम मुलायम इनकी ऊपर के हिस्से की टिप की कटिंग लो, और उससे भी न्यू प्लांट्स जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे भी आप तैयार कर सकते हैं। धूप इन्हें कैसे चाहिए, ये हार्डी प्लांट होते हैं, इन्हें चलने के लिए फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है,
और मिट्टी कैसे चाहिए, मिट्टी इसमें कोई खास जैसे केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो गार्डन की सॉइल होती है उसमें बस थोड़ी सी आप खाद मिला लो, चाहे एक हिस्सा मिट्टी का और एक हिस्सा गोबर की खाद मिला लो, उसमें भी ये अच्छे से चल पड़ेंगे। और बाद में आपको कोई भी इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं, अगर देना चाहें तो ये खुश रहेंगे, वैसे उसके बिना भी ये चल पड़ेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम बस इनका सही होना चाहिए। और वाटरिंग कैसे करनी है, इसे ज़रूरत के अनुसार पानी दें, जब ऊपर की लेयर आपको थोड़ी सी सूखी नज़र आए तो फिर पानी दे दें। और समर में पानी का जो ध्यान रखें, तब तो 2 टाइम आपको पानी देना पड़ सकता है, और ओवर वाटरिंग ना करें। तो बॉर्डर में आप लगा सकते हैं और कट फ्लावर की तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसका सीड दिखाती हूँ, ये जो मेरे सैंड कोरियोप्सिस, ये इसकी पत्तियाँ इस तरह की, ये देख ली होंगी, ये ऐसे आ रहा है। तो इसके सीड ये हैं, ये मुझे जम्मू जम्मू से आए हैं, ये इसके ये हैं। और जो मेरे अपने वाले हैं, जो गोल्डन वाले, ये लॉन्ग वैरायटी, तो उसके सीड ये हैं। ये देख रहे हैं दोनों में फ़र्क, ये देख लिया होगा आपने। और ये जो है 2.5 महीने के बाद ग्रो करने के, ये 2.5 महीने में इसके फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए। जो दूसरे वाले गोल्डन वैरायटी है, जब मैंने उसको गर्मियों में नहीं, सॉरी, मैंने उसमें बरसात के टाइम उन्हें ग्रो किया था, तो उसमें 1.5 महीने से पहले ही उसमें फ्लावर बर्ड्स आ गए। अब मैंने ट्रांसप्लांट भी नहीं उसकी पौध को किया था, और 2 महीने से पहले उसमें फूल खिलना भी स्टार्ट हो गए थे, पर विंटर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया था, बस ये 2.5-3 महीना लग सकता है। ये जो सैंड कोरियोप्सिस हैं, ये मैंने कल रात को ही ये यहाँ पे लाइन बना के ग्रो की हैं, तो इसके थोड़े से सीड मैं और डाल दूंगी। तो बस डालने कैसे हैं, इसी में डाल दूंगी, क्योंकि फिर मुझे याद रहेगा, मुझे अभी पोर्ट्स की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये इधर साइड में डाल देती हूँ, ऐसे डाल देती हूँ। तो ये बस ऐसे ही ये करने हैं इस तरह से, और मिट्टी को ये प्लांट्स निकलने तक मॉइस्टी रखना है। तो ये जो है, जो सैंड कोरियोप्सिस, ये 4-5 दिन में इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, और जो दूसरे वाले हैं उनकी 2 दिन में स्टार्ट हो जाती है। बस ये डाल दिए, तो ये लाइन मैंने ये कल लगाई थी, तो 4-5 दिन में इसकी जर्मिनेशन, ज़्यादा ठंड होगी तो फिर 2-4 दिन जो ऊपर भी लग सकते हैं। और ये जो गोल्डन कोरियोप्सिस के, ये मैंने पौध तैयार की है, 1 महीने की हो गई है, ये ट्रांसप्लांट करने लायक हो गई है। तो अगर हम करेंगे नहीं तो ये फिर ऐसे ही पौधे इकट्ठे इकट्ठे इतने ही रहेंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, खुराक नहीं मिलेगी। तो ये पान लगा है जिस इस पॉट में मैंने छोड़ दिया था, और एक बेल की कटिंग मैंने और लगाई थी। तो इसी में, अगर आपको किसी गमले में साइड में जगह मिलती है, तो उसी में थोड़ी सी मिट्टी खोद करके आप ये लगा सकते हैं। बस ऐसे अलग से मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी रूट्स जमा हो गई हैं बड़ी, ऐसे तो बड़े ये हार्डी प्लांट है, ऐसे लग जाते हैं। ये मिट्टी खोदी, ये ऐसे देखा, ऐसे मिट्टी खोदी, ये करी ऐसे। तो पौध मेरी तैयार है, बस मेरे को ये करने हैं, ये जो सीड मेरे गार्डन के चुने हुए, और इसी में ये डाल दिए, और इन इनके ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ानी है। ये जो ये गोल्डन कोर, इनके सीड बड़े बारीक हैं, बस ऐसे मिक्स कर देने हैं इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये मिट्टी ऐसे मिट्टी में मिक्स कर देने हैं बस इस तरह से, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। और मिट्टी इसको मॉइस्ट रखना है, तो अब मैं पानी दे दूँगी, तो ये 2 दिन में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये देखिए, अब ट्रांसप्लांट करने लायक हो गया। मैंने इसको इनको किया नहीं है, अब जैसे जैसे मेरे पास पोट आएंगे, खाली होंगे, फिर मैं करूँगी। तो मैं एक 10 इंच के पोट में कोई 4 या 5 पौधे लगा दूँगी, जबकि फूल खिलेंगे बहुत घने घने अच्छे लगेंगे। तो भरपूर जब समर आती है, मई से पहले तक ये खिलते रहते हैं। अब इसमें मैं ये पानी भी दे दूंगी, तो साइड से ऐसे दूंगी, ताकि मिट्टी ये गिल्ली रहे और इसको मॉइस्चर मिले। तो 2 दिन में ये निकल आते हैं, बहुत जल्दी इनकी ग्रोथ होती है। जल्दी ट्रांसप्लांट करेंगे तो जल्दी बड़े होंगे, अगर घने रहेंगे तो फिर नहीं होगी ग्रोथ। ये दूसरे में भी हम पानी दे देंगे, वैसे तो ये इसकी मिट्टी गिल्ली है, पूरी सुबह मैंने दिया पानी, पर फिर भी मैं इसमें ये अच्छे से पानी डाल दूंगी ऐसे। बस ये हमारे लग गए हैं। तो अगर कोई बात छूट गई होगी तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, जो जैसे मुझे एक्सपीरियंस रहा वो सब मैंने शेयर किया है। नमस्ते जी, शुक्रिया। शाम का टाइम हो गया है, फिर भी ये पर्स लेना भाई शाम तक खिले हुए हैं, क्योंकि बादल हैं इस टाइम। तो कोई जैसे सीड हम खरीद के लाते हैं, तो हो सकता वो पुराने हो, इसलिए अगर हम लेट भी होंगे हो तो हमें ज़रूर ग्रो कर लेने चाहिए, ताकि हम अपने
गार्डन में उनका सीड तैयार कर सकें। तो इसलिए मैं जो जितने भी मेरे बचते हैं अभी मुझे बहुत सारे लगाने हैं, आइस प्लांट भी लगाना है और भी बहुत सारे लगाने हैं, किसी ने पूछा था तो इसलिए मैंने जानकारी दे दी।